इलेक्ट्रॉन जो है वो अगर लैटिस से स्केटरिंग करते हैं तो उसकी वजह से रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ता है। तो यहाँ हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि नॉर्मली अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें तो नॉर्मल जो अगर इलेक्ट्रिसिटी की जो इफिशियंसी है, टोटल इफिशियंसी, वो कहीं ना कहीं इस रेजिस्टेंस के बढ़ने की वजह से जो है कम होती है। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की हम बात करें या नॉर्मली जो इतने भी पावर जनरेशन इक्विपमेंट की बात करें तो वहां पर ये इफिशियंसी जो है काफी मायने रखती है। तो अब सुपर कंडक्टर के होने से क्या फायदा होगा, सबसे बड़ी चीज ये है। तो सुपर कंडक्टर, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि सुपर कंडक्टर क्या होते हैं। तो सुपर कंडक्टर इज ए फिनोमेना अकरिंग इन अ मटेरियल जनरेट एट वेरी लो टेम्परेचर। एंड नॉर्मली क्या होता है कि अगर रेजिस्टेंस की हम बात करें तो नॉर्मल मेटल में और सुपर कंडक्टर में, इन दोनों का डिफरेंस भी हम देखना चाहेंगे। और सबसे पहले अगर हम बात करें कि कोई अगर हम मटेरियल लिए, ठीक है, और उस मटेरियल का अगर हम रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ में कैलकुलेट करें, तो अगर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बिलो हम देखें तो किसी मटेरियल का अगर रेजिस्टेंस अब्रप्टली जीरो हो जाता है तो वो जो स्टेट है उसको हम सुपर कंडक्टिंग स्टेट कहते हैं। ठीक है, अब ये जो स्टेट है हम सुपर कंडक्टिंग स्टेट कहते हैं। अब सबसे पहले जो है अगर इसके सुपर कंडक्टिविटी की बात करें तो वो 1908 में 1911 में जो है कैमिलन ओनेस जो है उन्होंने इसकी जो है खोज की थी, उन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। और उससे पहले अगर हम बात करें कि 1908 में, तो 1908 में जो है लिक्विड हीलियम की खोज जो है कैमिलन ओनेस ने की थी। और ये एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप जिस तरह से हम समझेंगे इसको, कि 1908 में जो है कैमिलन ओनेस ने जो है लिक्विड हीलियम की खोज की थी। उन्होंने 4.2 केल्विन जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट ऑब्जर्व किया था। लेकिन फिर उसके बाद में उन्होंने कई मटेरियल्स पे जो है लो टेम्परेचर रेजिस्टेंस जो है उसको मेजर करने की कोशिश की। और उसी क्रम में उन्होंने जो है मरकरी पर जो है ये एक्सपेरिमेंट किया। और ये एक्सपेरिमेंट कोई पहले से जो है इन्होंने जो है प्लान नहीं किया था। ठीक है, तो हुआ ये कि जब उन्होंने 4.2 केल्विन पर मरकरी का रेजिस्टेंस ऑब्जर्व किया तो वहां उन्होंने ये देखा कि 4.2 केल्विन पर जो रेजिस्टेंस था वो सडनली ड्रॉप हो गया था। ठीक है, टेम्परेचर के साथ में, तो वो पर्टिकुलरली जो टेम्परेचर था वो 4.2 केल्विन था, जहां पर क्या है कि रेजिस्टेंस जो है पूरी तरह से डिसअपीयर हुआ था। ठीक है, तो इसको जो है उन्होंने बाद में और कुछ मटेरियल्स पे भी जो है ऑब्जर्व किया, क्योंकि ये बहुत यूनिक फिनोमिना था उस समय। और उसको और मटेरियल्स पे भी किया, उसके बाद में उन्होंने लेट पे भी देखा इस चीज को। तो लेट पे जो है 7.2 केल्विन पर जो है उन्होंने ये चीज देखी। और वहां पर उन्होंने देखा कि 7.2 केल्विन पर रेजिस्टेंस जो है कम्प्लीटली डिसअपीयर हुआ। और वहां से फिर कई सारी इस पर जो है कई अदर मटेरियल्स पे भी जो है इसके लिए कई सारी खोज हुई। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि लगभग 1911 में जो है इसकी खोज हुई थी और उसके बाद में अभी लगभग 100 साल हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन अभी तक हमें जो है रूम टेम्परेचर सुपर कंडक्टर जो है अभी तक ऑब्जर्व नहीं हुआ है। ठीक है, इस पे कई सारी रिसर्च चल रही है। और अगर रूम टेम्परेचर सुपर कंडक्टर हम बात करें कि हमें अगर मिल जाए तो जो टेक्नोलॉजी है उसमें बहुत बड़ा रिनोवेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ हम बात करें कि जब 1911 में इन्हें ये हुआ, उसके बाद में इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो ये जो नोबेल पुरस्कार था इन्हें जो है इस पर्टिकुलर खोज पे नहीं मिला था, इन्होंने जो 1908 में जो लिक्विड हीलियम पर जो खोज की थी उस पर जो है इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो ये जो है एक तरह की डिस्कवरी नॉर्मली इसकी हिस्ट्री है। उसके बाद में जो है और हम बात करें तो 1933 में, ठीक है, माइजनर जो है उन्होंने बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट जो है सुपर कंडक्टर पे किस तरह से होता है। फिर लंदन जो है फ्रिज एंड लंदन जो है उन्होंने ये बताया था कि नॉर्मली जो सुपर कंडक्टर की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो है उसके बारे में उन्होंने बात की थी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या इलेक्ट्रोडायनेमिक जो है सुपर कंडक्टिविटी की वो किस तरह से होती है, वो सब उन्होंने बताया था। और BCS जो थे उन्होंने जो है इसमें बहुत बड़ा इनोवेशन किया। कहने का मतलब ये था कि नॉर्मली ये सुपर कंडक्टिविटी इतने सालों बाद भी, मतलब 1911 से 57 की आप बात करें, इतने सालों के बाद भी सुपर कंडक्टिविटी यह पता नहीं चल पा रहा था कि ये नॉर्मली फिनोमिना जो है ये किस वजह से है। तो थ्योरेटिकल फिनोमिना जो है वो BCS ने दिया। ठीक है, फिर उसके बाद में जोसेफसन जो है उन्होंने उनको भी इस पर 1973 में जो है नोबेल पुरस्कार मिला, जिस पर की स्पीड जो मेजरमेंट होता है वो बेस्ट होता है। तो नॉर्मल स्पीड एक्सपेरिमेंट जो है वो नॉर्मल इसलिए किया जाता है कि मैग्नेटिक सेंसेशन के लिए किया जाता है, कि मतलब मैग्नेटिक कोई भी मटेरियल का मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं उससे। तो
ये एक हिस्ट्री थी सुपरकंडक्टर की। अब हम बात करेंगे कि नॉर्मल मेटल जो है वो सुपरकंडक्टर से किस तरह से डिफरेंस है। तो हम बात करें नॉर्मल मेटल में, तो नॉर्मल मेटल में अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेंगे, न्यूक्लियस से जो आपके लेटेस्ट लेटेस्ट पॉइंट है उससे स्कैटरिंग करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि रेजिस्टेंस जो है जनरेट होता है, क्योंकि नॉर्मल मेटल में हम बात करें तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कई ज्यादा होते हैं, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है लैटिस से स्कैटरिंग करते हैं, उसकी वजह से टेम्परेचर हम बढ़ाते जाएंगे तो उससे रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है। लेकिन यहाँ हम देख सकते हैं कि टेम्परेचर घटाने पर ये रेजिस्टेंस जीरो की तरफ नहीं है, कहने का मतलब जीरो केल्विन पे भी हम बात करें तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस जरूर है। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर रेजिस्टेंस आप देख पा रहे हैं, ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है, ये जो है रेसिडुअल रेजिस्टेंस कहलाता है। और ये रेजिस्टेंस जो है स्पेशली किस वजह से होता है, क्योंकि कोई भी अगर हम मटेरियल ले तो उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट जो है वो जरूर होते हैं। ठीक है, और इस डिफेक्ट की वजह से ये रेजिस्टेंस जो है हमें मिलता है। ठीक है, तो यहाँ हम नॉर्मल मेटल की हमने बात की। अब वहीं अगर हम बात करें सुपर कंडक्टर्स की, तो सुपर कंडक्टर्स में क्या है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बिलो हम देखते हैं तो रेजिस्टेंस जो है अब्रप्टली जीरो हो जाता है। इस पर्टिकुलर स्टेट को हम सुपर कंडक्टिंग स्टेट कहते हैं। ठीक है, तो ये नॉर्मल मेटल और सुपर कंडक्टर में एक बेसिक डिफरेंस है। अब हम बात करते हैं कि इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द सुपर कंडक्टर। तो सुपर कंडक्टर जो है, प्लीज म्यूट ऑल। तो सुपर कंडक्टर की हम बात करते हैं कि सुपर कंडक्टर में जो है मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट किस तरह से होता है। तो अगर मैं बिलो टीसी बात करूं, बिलो टीसी मतलब कि एक क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे, तो हमने देखा ही कि सुपर कंडक्टिंग स्टेट जो है वो एग्जिस्ट करती है। तो उसी कंडीशन में हम अगर मैग्नेटिक फील्ड लगाए सुपर कंडक्टर पे, तब क्या होगा, ये जो है एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। और इसको जो है माइजनर ने जो है, हमने बताया था कि माइजनर, अभी हमने 1933 में माइजनर ने इसकी खोज की थी, और माइजनर ने इसमें ये बताया कि अगर मैं सुपर कंडक्टर कोई मटेरियल है उसको मैं मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस पे रखता हूँ, तो क्या होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स को पूरी तरह से एक्सक्लूड कर देती है। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट कंडीशन हम देखेंगे ये कि ग्रेटर देन टी ग्रेटर देन टीसी में, तो ये नॉर्मल स्टेट है जहां पर ये सुपर कंडक्टिंग स्टेट नहीं है। बट बिलो द टीसी हम देखें तो सुपर कंडक्टिंग स्टेट एग्जिस्ट करती है, और इसी कंडीशन में हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया इस सुपर कंडक्टर पर। और जब मैग्नेटिक फील्ड इस सुपर कंडक्टर पर अप्लाई किया तो क्या हो, हम देखते हैं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है ये पूरी तरह से सुपर कंडक्टर को एक्सक्लूड करती है। ठीक है, तो ये जो फिनोमिना है ये क्या कहलाता है, माइजनर इफेक्ट कहलाता है। और नॉर्मली ये चीज है कि पर्टिकुलर इसकी लिमिट है फील्ड की, कि कितना फील्ड जो है वो सस्टेन कर सकता है सुपर पहले कंडक्टर, और उसके अभाव जो है कुछ फील्ड। प्लीज तो पाइप प्लीज प्लीज ये आप म्यूट कर दीजिए, आप प्लीज म्यूट कर दीजिए, जी प्लीज प्रदीप बैरागी जी म्यूट कीजिए। जी बिल्कुल तो एक पर्टिकुलर फील्ड के बाद हम बात करें तो कुछ फील्ड तक जो है ये सस्टेन कर सकता है सुपर कंडक्टर, बट उस एक पर्टिकुलर फील्ड के बाद में हम बात करें तो क्रिटिकल फील्ड के बाद, तो ये स्टेट जो है सुपर कंडक्टिंग स्टेट जो है नॉर्मल स्टेट में चेंज होती है। ठीक है, और अब हम बात करते हैं कि इसी कंडीशन में हम बात करें कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन पूरी तरह से एक्सक्लूड करेगी तो सुपर कंडक्टर जो है वो किस तरह का मैग्नेटिज्म को सपोर्ट करेंगे। ठीक है, ये हम देखते हैं। तो नॉर्मली हम बात करें, सॉरी नॉर्मली हम बात करें कि सुपर कंडक्टर जो है उसकी ससेप्टिबिलिटी क्या होती है। तो हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन जो है वो जो है बी जो है यहाँ पर जीरो होता है, क्योंकि पूरी तरह से फील्ड लाइन एक्सक्लूड होती है सुपर कंडक्टर से, तो बी जीरो हो जाएगा। और उस कंडीशन में हम बात करें तो ससेप्टिबिलिटी जो है वो -1 होती है। तो -1 जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो किसके लिए जो है होती है, तो वो होती है परफेक्ट डायमैग्नेटिक के लिए। परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल जो है वो पूरी तरह से जो है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो इंटेंसिटी, अगर हम परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल पे लगाते हैं तो वो उसको पूरी तरह से कैंसल आउट करता है फील्ड, उसकी फील्ड लाइन्स को। तो ये जो है परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं सुपर कंडक्टर्स, और यहाँ हमने ये चीज देखी। उसके बाद में हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि सुपर कंडक्टिंग स्टेट को अफेक्ट करते हैं। तो हमने यहाँ देखा कि इसको हम ट्रायो बोलते हैं एक तरह से, कि यहाँ पे तीन चीजें जो है सुपर कंडक्टिंग इफेक्ट को जो है पूरी तरह से इफेक्ट करती है, जैसे क्रिटिकल टेम्परेचर। तो क्रिटिकल टेम्परेचर तो हमने ऑलरेडी देख ही चुका है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बिलो जो है वो सुपर कंडक्टिंग स्टेट होती है, और उसके अभाव हम बात करें तो क्या होता है कि जो है नॉर्मल स्टेट में चेंज होता है। और अब अगर हम बात करें कि ये नॉर्मली लो टेम्परेचर पे हम सुपर कंडक्टर को ऑब्जर्व करते हैं, तो उसके लिए जो है कौन कौन से टेम्परेचर को अचीव कैसे करेंगे। तो ये जो टेम्परेचर अचीव होता है वो लिक्विड नाइट्रोजन या लिक्विड हीलियम के थ्रू हो सकता है। अगर हम बात करें लिक्विड नाइट्रोजन, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट 773 केल्विन है।
तो इस तरह के अगर कोई हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर है उसके लिए हम लिक्विड नाइट्रोजन यूज करते हैं, और वहीं हम बात करें लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर तो उसके लिए हम जो है लिक्विड हीलियम जो है यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि टेम्परेचर के साथ में जो है सुपर कंडक्टिंग इफेक्ट जो है वो पूरी तरह से डिपेंड करती है, और यहाँ देख सकते हैं हम डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स है उनके डिफरेंट डिफरेंट सुपर क्रिटिकल टेम्परेचर है, और यहाँ देख सकते हैं कि टीन जो है उसका 3.7 किलो है, और ये कुछ आप ऑक्साइड्स देख रहे हैं, कंपाउंड्स देख रहे हैं, ये पर्टिकुलर कंपाउंड्स के जो है वो क्रिटिकल टेम्परेचर काफी ज्यादा है 125 केल्विन। इस तरह के जो सुपर कंडक्टिंग मेटल्स है उनको हम क्या कहते हैं, हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टिंग मेटल कहते हैं। और इसके अलावा कौन कौन से और इफेक्ट है, तो क्रिटिकल फील्ड है, तो क्रिटिकल फील्ड हमने देखा कि एक अबाउट द वैल्यू ऑफ एन एक्सटर्नली अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है सुपर कंडक्टिंग स्टेट इज बिकम इन द नॉन सुपर कंडक्टिंग स्टेट, तो इसको जो है हम क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड को जो है SC इक्वल टू H01 माइनस T बाई TC से के होल स्क्वायर से देते हैं, तो नॉर्मली ये पैराबोलिक इफेक्ट दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो इसका जो प्लॉटिंग है वो क्या होगा कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बिलो जो है सुपर कंडक्टिंग स्टेट होगी, अब हम देखेंगे तो नॉर्मल स्टेट में ये चेंज होगा। वहीं हम बात करें कि यहाँ कुछ मटेरियल्स आपको दिखाई दे रहे हैं जिनके क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब 198 मिली टेस्ला नायोबियम का है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस 190 मिली टेस्ला के बिलो जो है वो सुपर कंडक्टिंग स्टेट होगी, और वहीं हम बात करें कि अबाउ दिस पर्टिकुलर वैल्यू दिस सुपर कंडक्टिंग स्टेट विल बी चेंज इन द नॉर्मल स्टेट। ओके, सो यहाँ हम देख सकते हैं कि कुछ मटेरियल्स है उनका काफी ज्यादा क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड है और कुछ मटेरियल्स है उनका काफी कम क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड है। प्लीज म्यूट ऑल। ये जो भी अगर बीच में आवाज आ रही है, अगर ये ज्यादा आवाज हो रही है तो प्लीज इन्हें रिमूव कर दीजिए, प्लीज रिमूव दिस गाइस बिकॉज ही इज डिस्टर्बिंग टू ऑल। ओके, प्लीज रिमूव दिस गाइस, आइदर म्यूट हिम और हर, और या तो आप उनको रिमूव कर दीजिए क्योंकि हमें जो है इस तरह से काफी डिस्टर्बेंस होगा। ओके, तो अभी हम यहाँ बात कर रहे थे कि क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स के लिए अलग अलग होता है, तो ये हमने बात की। अब यहाँ हम बात करते हैं कि करंट डेंसिटी। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम आपको बताएंगे कि सुपर कंडक्टिंग स्टेट में हमने बोला कि जो रेजिस्टेंस है वो जीरो की तरफ होता है, और इसके अलावा जो करंट डेंसिटी है या करंट है वो इन्फिनिटी होती है। ठीक है, तो ये जो है नॉर्मली हम बात करते हैं, बट अगर हम यहाँ देखें कि करंट अगर इन्फिनिटी हुई तो करंट के साथ में कुछ मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होती है। ठीक है, अगर ये जो है मतलब अगर करंट अगर जनरेट हो रही है तो उसके साथ में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी ह्यूज जनरेट होगी, और हमने देखा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है तो ये जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है सुपर कंडक्टिंग स्टेट को पूरी तरह से अफेक्ट करती है। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं कि करंट डेंसिटी भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, इसके थ्रू भी जो है वो सुपर कंडक्टिंग स्टेट जो है वो चेंज हो सकती है नॉर्मल स्टेट में। तो जो एक पर्टिकुलर करंट, मतलब ऐसा होता है कि कुछ करंट जो है वो आपका एक पर्टिकुलर वैल्यू से अगर ऊपर गया तो क्या होता है, सुपर कंडक्टिंग स्टेट जो है वो नॉर्मल स्टेट में चेंज हो जाता है, क्योंकि पर्टिकुलर करंट से जो है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, और वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इटसेल्फ जो है वो क्या करेगा कि उस सुपर कंडक्टिंग स्टेट को भी अफेक्ट करता है, जो कि हमने ऑलरेडी पहले वाली स्लाइड में देख चुके हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिक करंट है, ये हमने देखा कि जो क्रिटिकल करंट है वो मैग्नेटिक फील्ड पे भी डिपेंड कर रही है, IC इक्वल टू पाई HC। अगर हम कोई सुपर कंडक्टिंग वायर ले उसके लिए क्रिटिकल करंट डेंसिटी देखेंगे तो ये IC इक्वल टू 2πrSC होता है। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जब 1911 में जो है HG पर जो है कैमेलियोन्स ने जो है सुपर कंडक्टिंग स्टेट जो है वो देखा था, उसके बाद में जो है कुछ सालों बाद जो है लेड पर सुपर कंडक्टिंग स्टेट जो है कैमेलियोन्स ने देखा था, और उसी बाद में उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन और उस पर देखा कि पर्टिकुलरली जैसे लेड जो था उस पर सुपर कंडक्टिंग स्टेट जो थी उसके लिए उन्होंने देखा कि करंट कुछ फ्लो हो रहा था, लेकिन एक साल बाद उन्होंने वापस आकर देखा कि वो करंट में क्या चेंज हुआ। ठीक है, तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो करंट जो फ्लो था उसका करंट का जो फ्लो है वो उस एज इट इज रहा आफ्टर ऑल 1 ईयर। ठीक है, तो मतलब परसिस्ट करंट, ये जो स्टडी थी इसको उन्होंने कहा परसिस्ट करंट था। परसिस्ट करंट का मतलब ये होता है कि सुपर कंडक्टिंग स्टेट में एक सबसे अच्छी प्रॉपर्टी ये होती है कि वो जो करंट जनरेट होता है वो लॉन्ग टाइम तक जो है एज इट इज रहता है। ठीक है, तो ये जो स्टेट है सुपर परसिस्ट करंट कहते हैं इसे हम, और ये जो है अगर इस चीज को हम बात करें कि रूम टेम्परेचर अगर सुपर कंडक्टर्स हमें ऑब्जर्वेशन हो
तो सबसे अच्छा एप्लीकेशन इसका ये होगा कि आप एक बार अगर मोबाइल को जो है चार्ज करो, ठीक है, तो वो लॉन्ग टाइम तक जो है, अगर सुपर कंडक्टिंग स्टेट का हम यूज करें वहां पर, तो मटेरियल्स का यूज करें, तो वो लॉन्ग टाइम तक जो है हमें जो है फिर से चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसका, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि ये जो हमने बात की कि भाई जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका सुपर कंडक्टर्स पे इफेक्ट क्या था, तो हमने देखा कि माइजनर ने जो है ये बताया कि अगर मैं सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड लगाता हूँ तो क्या होता है कि वो पूरी तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को एक्सक्लूड कर देता है। तो उसी ऑब्जर्वेशन में जो है दो तरह के जो है सुपर कंडक्टर्स को हम देखते हैं, ठीक है, और उसमें हम कहते हैं इसे टाइप वन और टाइप टू सुपर कंडक्टर्स। और अगर हम बात करें टाइप वन सुपर कंडक्टर्स, तो टाइप वन सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं, जो कि पूरी तरह से माइनर इफेक्ट को फॉलो करते हैं। माइनर इफेक्ट मतलब कि आपने जो भी मैग्नेटिक फील्ड लगाया सुपर कंडक्टर्स पे, वो पूरी तरह से उस मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को एक्सक्लूड कर देगा, कहने का मतलब बी जो है वो जीरो हो जाएगा और परफेक्ट डायमैग्नेटिक होगा। तो टाइप वन सुपर कंडक्टर जो है परफेक्ट डायमैग्नेटिक होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा टाइप टू सुपर कंडक्टर है, इसके लिए अगर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ की बात करें तो यहाँ पे क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ जाती है, कहने का मतलब ये जो है इस तरह के जो टाइप टू सुपर कंडक्टर है वो हाई मैग्नेटिक फील्ड को सस्टेन कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरह के जो सुपर कंडक्टर उसको हम हार्ड सुपर कंडक्टर भी कहते हैं, ठीक है। और इसमें जो है हम बात करेंगे तो इसमें जो है इस तरह के जो टाइप टू सुपर कंडक्टर है वो नॉर्मली जो है कंपाउंड काइंड जो होते हैं, ठीक है, उस तरह के सुपर कंडक्टर में होते हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं NB3GE NB3SI, ये जो है कंपाउंड सुपर कंडक्टर है, ठीक है। तो इस तरह के जो या सिरामिक सुपर कंडक्टर है, इस तरह के सुपर कंडक्टर जो है वो टाइप टू सुपर कंडक्टर होते हैं, और ये जो है परफेक्टली माइजनर इफेक्ट को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है इनमें टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम बात करें तो टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर और एज वेल एज हाई फील्ड सुपर कंडक्टर इज क्वाइट यूजफुल एज फार एप्लीकेशन। और यहाँ हम देख सकते हैं कि टाइप टू सुपर कंडक्टर जो है वो काफ़ी यूजफुल होते हैं फॉर आवर टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। और टाइप वन सुपर कंडक्टर इनका जो है हम बात करें तो ये सॉफ्ट सुपर कंडक्टर होते हैं, उनका मैग्नेटिक फील्ड जो है क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड की हम बात करें तो वो काफ़ी कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे केवल एक ही क्रिटिकल फील्ड एग्जिस्ट होता है टाइप वन में, बट टाइप टू सुपर कंडक्टर में दो क्रिटिकल फील्ड AC1 और AC2 एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये हुआ, ये हम देख सकते हैं टाइप वन सुपर कंडक्टर जो कि परफेक्टली डायमैग्नेटिक स्टेट को शो करता है। और हम यहाँ पे देखा है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस मैग्नेटिक एम है, ठीक है, और ये एच है, तो यहाँ पर ये नॉर्मली माइनस एम है, ठीक है, क्योंकि माइनस एम होगा तभी ये जो है स्ट्रेट होगा, ठीक है। तो क्योंकि एम बाई एच जो है माइनस वन होता है परफेक्टली डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए, तो ये जो स्टेट है इसको माइनस एम कहेंगे हम और इसको प्लस एच कहेंगे। तो इसके बीच में जो प्लॉटिंग है ये परफेक्टली डायमैग्नेटिक को शो कर रही है कि एक पर्टिकुलर फील्ड के बाद में जो है पूरी तरह से सुपर कंडक्टर जो है नॉर्मल स्टेट में चेंज हो जाता है। वहीं हम बात करें कि टाइप टू सुपर कंडक्टर, तो ये टाइप वन तो यहाँ तक एग्जिस्ट करेगा, बट टाइप टू सुपर कंडक्टर हम देख सकते हैं AC1 और AC2 के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब ये यहाँ हम देख सकते हैं कि फील्ड भी जो है टाइप टू सुपर कंडक्टर के लिए काफी ज्यादा है और वेरिएबल भी है, ठीक है, यहाँ हम देख सकते हैं। तो इस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, मिक्सड स्टेट बोलते हैं, जिसे कि हम वोर्टेक्स कहते हैं, और ये जो है टाइप टू सुपर कंडक्टर्स होंगे, ठीक है। और नॉर्मली हमने ऑलरेडी इसके बारे में काफी कुछ डिस्कस कर चुके हैं। तो ये टाइप वन और टाइप टू सुपर कंडक्टर्स है। कौन नहीं है, प्लीज प्लीज बी साइलेंट, चल रही क्लास। ओके, सो अभी हमने जो है मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट जो है, प्लीज बी साइलेंट, अभी हमने जो है मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट जो है सुपर कंडक्टर्स पे देखा, अब हम उसके बाद में इलेक्ट्रोडायनेमिक सुपर कंडक्टर्स देखेंगे। तो देखिए ये जो है नॉर्मली सुपर कंडक्टर जब उसकी डिस्कवरी हुई उसके बाद में इसकी काफी ज्यादा जो है साइंटिस्ट इसके और जो है अट्रैक्ट हुए, क्योंकि इसके जो एप्लीकेशन है वो काफी वाइड है और काफी इम्पोर्टेंट है फॉर आवर फ्यूचर एज वेल एज प्रेजेंट टेक्नोलॉजी। तो इसके बाद में जो है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ सुपर कंडक्टर्स जो है उसमें हम बात करें तो लंदन जो है साइंटिस्ट उन्होंने जो है सुपर कंडक्टर्स पे जो है इलेक्ट्रोडायनेमिक थ्योरी जो है वो दी गई, और इसमें इन्होंने सबसे पहले जो है टू फ्लूइड मॉडल जो है वो यूज किया। और टू फ्लूइड मॉडल का मतलब ये होता है कि सुपर कंडक्टर जो है उसमें दो तरह के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एग्जिस्ट करेंगे, एक तो सुपर इलेक्ट्रॉन्स और दूसरा जो है नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो सुपर इलेक्ट्रॉन्स क्या कहलाते हैं, जो कि क्या होते हैं कि एक पर्टिकुलर क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे हम बात करें तो
सुपर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रहते हैं, और जैसे जैसे हम क्रिटिकल टेम्परेचर की ओर आते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन जो है नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स में चेंज होते हैं। तो अब सुपर इलेक्ट्रॉन्स की हम बात करें तो ये किस तरह के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसमें कोई स्कैटरिंग नहीं होती है, जीरो एंट्रोपी। अगर स्कैटरिंग नहीं हुई तो सीधी सी बात है रेंडमनेस काफी कम हो जाएगी जिससे कि जीरो एंट्रोपी होगी, और उसकी वजह से कोहेरेंट लेंथ जो है वो ज्यादा दूरी तक जो है वो बनी रहती है। कोहेरेंट लेंथ हम देखेंगे बाद में कि नॉर्मली कूपर पेयर की जो डिस्टेंस है कूपर पेयर जो जहां तक की सही करते हैं वो कोहेरेंट लेंथ कहलाती है। और सुपर कंडक्टर जो सुपर इलेक्ट्रॉन और जो टेम्परेचर के साथ में किस तरह से चेंज होंगे तो उसके लिए हम ये एक्सप्रेशन यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि लंदन इक्वेशंस की। लंदन ने जो है दो इक्वेशंस दी थी, लंदन इक्वेशन वन और लंदन इक्वेशन टू। तो अभी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पर, इसका आगे बढ़ते हैं। अब देखिए लंदन के फर्स्ट इक्वेशंस और सेकंड इक्वेशंस की हम बात करते हैं तो हम यहाँ देखेंगे एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज देखते हैं कि नॉर्मल कंडक्टर्स में क्या होता है। नॉर्मल कंडक्टर में हम बात करें कि जो अगर करंट डेंसिटी की बात करें तो जे इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा ई होता है, ठीक है। अब यहाँ हम बात करें कि जे इक्वल टू सिग्मा ई हो गया और रो में अगर इसको चेंज करें तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रो इंटू जे होता है, ठीक है। अब हमने यहाँ क्या देखा कि रेजिस्टिविटी जो है वो क्या होती है, जीरो होती है, ठीक है। एक नॉर्मल अगर मैं कंडक्टर्स की बात करूँ अगर वहाँ रेजिस्टिविटी जीरो होती है नॉर्मल में तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो जाता है। तो अगर यह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तो उसके कंडीशन में जो है वो क्या होगा, जे एन भी जीरो हो जाता है। बट प्लीज यहाँ पे बहुत आवाज आ रही है, ओके। और अगर यहाँ हम बात करें कि नॉर्मल सुपर कंडक्टर्स की बात करें तो हमने देखा है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, नॉर्मल जे इक्वल टू सिग्मा ई होता है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है रो इंटू जे होता है। अब यहाँ सुपर कंडक्टर में हम देखते हैं कि जे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो है तो इसके कंडीशन में यहाँ पे जो जे है वो कांस्टेंट होता है। वो किस तरह से होता है वो अभी हम देखते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली इक्वेशन ऑफ मोशन हम देखेंगे सुपर इलेक्ट्रॉन्स का सुपर कंडक्टिंग इफेक्ट के लिए तो एम इक्वल टू डी बाई डी टी है, और ये जो है फोर्स है तो ये पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन जो है इसके लिए ई टू ई जो है उसके इक्विवेलेंट होगा। अब यहाँ हम इसको फाइनली लंदन फर्स्ट इक्वेशन पे हम आते हैं तो यहाँ लंदन इक्वेशन आप देख सकते हैं डेल्टा जे अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू एनी स्क्वायर ई अपॉन एम होता है। तो अब यहाँ देख सकते हो आप कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा सुपर कंडक्टिंग स्टेट के लिए तो क्या होगा, यहाँ पे इस कंडीशन में जो जे है वो कांस्टेंट होगा। अब आपको ये चीज कंफर्म है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से जीरो है, ये चीज आपको पता है नहीं, तो उसके लिए देखिए हम किस तरह से इसको बताते हैं। यहाँ एक्सप्रेशन जो है वो लिखा नहीं है मैंने, लेकिन यहाँ से आप देख सकते हैं उसको कि यहाँ पे जे इक्वल टू सिग्मा ई है, ये सिग्मा जो है अगर रो के टर्म में लिखेंगे तो रो इनटू जे हो जाएगा, ठीक है। तो और ये किसके इक्विवेलेंट का, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। बट यहाँ हमें पता है सुपर कंडक्टिव स्टेट के लिए रो जो है जीरो होती है, तो रो अगर जीरो होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये हमारे पास जीरो मिल रहा है, ठीक है, सुपर कंडक्टिव स्टेट के लिए। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं यहाँ पे पुटअप करता हूँ, ठीक। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैं यहाँ पुटअप करें तो ये पूरी टर्म जीरो हो गई। अब ये जे जो है ये डेल्टा जे बाई डेल्टा टी ये क्या होगा, जीरो के इक्विवेलेंट हो गया। अब इस कंडीशन में जे जो है क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो हमने जो बात की थी कि सुपर कंडक्टिव स्टेट जो है वो क्या है, परसिस्ट करंट को रखते हैं, तो उसका मतलब यही है कि एक बार आप सुपर कंडक्टिव पर अगर आप सुपर कंडक्टर को रखते हो मतलब एग्जिस्ट करते हो तो उसमें जो करंट है वो लॉन्ग टाइम तक जो है वो एज इट इज रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है। वही जो है लंदन ने अपने फर्स्ट इक्वेशन में हमें बताया, ठीक है। ये वाली टर्म्स जो है ये फर्स्ट इक्वेशन आपको सभी को बिल्कुल हुई कंफर्म हुई है नहीं तो चैट बॉक्स में आप बता सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है सुपर कंडक्टिंग लंदन फर्स्ट इक्वेशंस थी, ठीक है, सुपर कंडक्टर्स के लिए। अब लंदन सेकेंड इक्वेशंस क्या बताता है ये देखते हैं हम। तो नॉर्मली इसमें हमने मैक्सवेल इक्वेशंस यूज किया है, ठीक है। तो मैक्सवेल इक्वेशन जब हम डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी हम यूज करेंगे तो इस कंडीशन में जो अभी हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो सुपर कंडक्टिंग स्टेट के लिए जीरो होता है। अब इस कंडीशन में यहाँ बात करें कि बी जो है डेल्टा बी डेल्टा टी जो है वो इक्वेलेंट टू जीरो हो गया, मतलब बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट हुआ। अब यहाँ तो यहाँ अगर इलेक्ट्रोडायनेमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग देखे तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कॉन्स्टेंट होगी, ठीक है। लेकिन माइजनर क्या बोल रहे थे, माइजनर तो ये बोल रहे थे कि भैया जब अगर मैं सुपर कंडक्टर लेता हूँ और उसमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करूँ तो क्या होगा कि उसमें जो है पूरी तरह से सुपर कंडक्टिंग स्टेट जो है वो पूरी नॉर्मल स्टेट में चेंज हो जाती है या मैग्नेटिक फील्ड लाइन पूरी तरह से एक्सक्लूड करता है, ठीक है, सुपर कंडक्टर। तो वहां पर बी जो है हमने जीरो देखा था। तो यहाँ पे एक आपको दिख रहा है कि यहाँ
कुछ ना कुछ जो है वो चेंज जरूर है। कहने का मतलब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि कुछ ना कुछ डिस्पेरेंसी दिख रही है आपको। अब इस चीज को हम जो है मैक्सवेल इक्वेशंस के थ्रू जो है सॉल्व करते हैं, और फाइनली यहाँ हम वेक्टर पोटेंशियल का भी यूज करते हैं, और इसको यूज करने के बाद में हम देखते हैं ये जो जे एस है, हम ये लंदन सेकंड इक्वेशन देखते हैं, तो जे एस जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, वेक्टर पोटेंशियल जो है मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल उसके प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ हमें दिखाई दे रहा है कि जो करंट डेंसिटी है वो कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड के जो है वो प्रोपोर्शनल है। तो मतलब आपका अगर करंट जो है अगर एक्सीड करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड जो करंट डेंसिटी, अगर करंट एक्सीड किया तो वो मैग्नेटिक फील्ड को भी अफेक्ट करता है, जो कि हमने ऑलरेडी पहले भी देख चुके हैं कि जब हमने तीन इफेक्ट जो ट्रायल हमने देखे थे कि तीन इफेक्ट जो कि सुपर कंडक्टर को किस तरह से अफेक्ट करते हैं, उसमें ये चीज जो है यहाँ से लंदन सेकेंड इक्वेशन से ये चीज प्रूव होती है। ठीक है, तो ये लंदन फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन जो है हमें इस इन दो चीजों के बारे में बताती है। पहली चीज तो ये है कि आफ्टर ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो है, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो है करंट जो है वो क्या है, करंट डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट होती है। वहीं मैं बात करूं नॉर्मल कंडक्टर्स के लिए, तो नॉर्मल कंडक्टर्स के लिए क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो हो जाता है तो करंट भी पूरी तरह से जीरो हो जाती है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि इस फॉर्मूला से आप कंप्लीटली देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रखो तो ये जी भी जीरो हो जाता है। बट वही सुपर कंडक्टिंग स्टेट की हम बात करते हैं तो ये पूरी तरह से चेंज है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने पर करंट जो है वो कॉन्स्टेंट होती है। तो ये तो आपको पहली इक्वेशन से पता चलता है, और वही दूसरी इक्वेशन आपको बताती है कि जो करंट डेंसिटी है वो पूरी तरह से मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करती है। और उसके बाद में जब एम्पियर्स लॉ हम देखते हैं यहाँ पर, तो अभी हमें ये नहीं पता है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपका डिपेंड तो कर रही है करंट डेंसिटी पे, इसके अलावा ये नहीं पता चल रहा है कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किस अगर मैं सुपर कंडक्टिंग पे मटेरियल पे लगाता हूँ तो वहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से वेरी करेगी, कहने का मतलब सरफेस पे उसका बिहेवियर कैसा होगा या अंडर द मटेरियल जो है वो बिहेवियर किस तरह से होगा। तो वो चीज जो है वो जो एक्सपेरिमेंटली भी, उसके अलावा थ्योरेटिकल तो लंदन ने बताया, इसके अलावा एक्सपेरिमेंटली भी प्रूफ हुआ। तो माइजनर जो बात कर रहे हैं कि भैया मैग्नेटिक फील्ड जो है अगर मैं सुपर कंडक्टिंग स्टेट पे लगाता हूँ तो पूरी तरह से जीरो हो जाता है, वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से एक्सपेरिमेंटली फिट नहीं होता है। ठीक है, जिसे लंदन ने बताया, तो लंदन ने यहाँ पे बताया कि जो मैग्नेटिक फील्ड हम देख सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इन अ सुपर कंडक्टर इज वेरी इज एक्सपोनेंशियल डिके। तो यहाँ एक्सपोनेंशियली जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जो है लेंथ के साथ में डिके होती है। ठीक है, तो ये चीज जो है लंदन ने बताया था कि सुपर कंडक्टिंग स्टेट में मैग्नेटिक फील्ड जो है डिस्टेंस के साथ में इस तरह से वेरी होती है, सरफेस पे मैक्सिमम होगी और उसके बाद में जिस तरह से हम अंदर जाएंगे, जिस तरह से लेंथ डेप्थ में हम जाते जाएंगे तो सुपर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो कम होती जाती है। तो यहाँ पर ये चीजें हमने देखी। इसके अलावा कुछ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज भी है सुपर कंडक्टर्स की, जिसमें हम बात करें कि कुछ प्रेशर्स अगर हम बढ़ाते हैं तो सुपर कंडक्टर का जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो जो है बढ़ता है। ठीक है, तो मतलब प्रेशर पे डिपेंडेंस है। ठीक है, लेकिन ये नॉर्मली एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है, और इसके अलावा कई सारी इसमें साइंटिफिक स्टडीज जो है वो अलग अलग तरह की निकल के आती है। तो उस ऑन दैट पर्टिकुलर बेसिस वी जनरलाइज दैट कि प्रेशर के साथ में जो है क्रिटिकल टेम्परेचर जो है वो बढ़ता है। और एंट्रोपी की बात करें तो क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे हम बात करें तो एंट्रोपी की जो है वो काफी लो होती है, क्योंकि सीधी सी बात है यहाँ पर सुपर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये सुपर इलेक्ट्रॉन जो है स्कैटरिंग नहीं करते हैं, और इस वजह से एंट्रोपी जो है वो काफी कम होती है सुपर कंडक्टर इसकी, क्योंकि एंट्रोपी क्या है, एंट्रोपी एक रेंडमनेस है एक तरह की। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एंट्रोपी और स्पेसिफिक हीट भी कम होती है, क्योंकि स्पेसिफिक हीट की बात हम करें तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आपको एनर्जी की जो आवश्यकता होती है वो स्पेसिफिक हीट होती है। तो हम बात करें कि नॉर्मल जो सुपर कंडक्टर्स की हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो है वो एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जिसकी इस वजह से सुपर कंडक्टिंग स्टेट में स्पेसिफिक लो होती है। अब ये चीज देखने के बाद में और भी कुछ चीजें हैं जिन जिन का इफेक्ट होता है, इम्प्योरिटी बढ़ाने पर सीधी सी बात है मैग्नेटिक फील्ड प्रॉपर्टी भी चेंज होती है, क्रिटिकल जो टेम्परेचर है वो भी चेंज होता है। जनरल प्रॉपर्टीज इनकी ये चीज है कि क्रिस्टल आफ्टर ऑल सुपर कंडक्टिंग स्टेट में क्रिस्टल स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता है। ठीक है, और वॉल्यूम भी जो है वो चेंज नहीं होता है। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है। अब कई सारी थ्योरी दी गई है इस पर, ड्रूड मॉडल जो है वो पूरी तरह से ये बताने पर पूरी तरह से फेल रहा कि सुपर कंडक्टिंग जो है, ठीक है, उसको पूरी तरह से बताने में फेल रहा है। ठीक है, इसके अलावा लंदन इक्वेशंस ने ये तो जरूर बताया कि कई हद तक जो उन्होंने दो चीजें जरूर बताई इस पर,
कि सुपर कंडक्टिंग स्टेट जो है मैग्नेटिक फील्ड पर जो करंट डेंसिटी है मैग्नेटिक फील्ड से किस तरह से डिपेंड करती है, साथ में कॉन्स्टेंट करंट डेंसिटी की भी इन्होंने बात की, और इसके अलावा ये भी बताया कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किस तरह से लेंथ के साथ में या डेप्थ के साथ में वेरीज करती है। तो ये चीजें थी। अब इसके बाद में हम बात करेंगे BCS थ्योरी। देखिए अभी तक हमने जो है कई सारे इफेक्ट देख लिए सुपर कंडक्टर्स पे कि ये इफेक्ट जो है सुपर कंडक्टर को किस तरह से जो है अफेक्ट करते हैं, और अब हम बात करेंगे BCS थ्योरी। तो BCS थ्योरी जो है वो बार्डिन कूपर और सिपर थ्योरी। तो नॉर्मली ये जो है बार्डिन, इसमें हम बात करें तो बार्डिन जो है वो साइंटिस्ट है, इसके साथ में कूपर जो है वो इनके पोस्टडॉक फेलो थे, और सिपर जो है वो PhD स्टूडेंट है इनके। ठीक है, तो इन तीनों ने मिलकर जो है ये ओरिजिन बताया कि सुपर कंडक्टिंग स्टेट जो है वो किस वजह से होती है, और इस चीज को जो है वो किन्होंने बताया, BCS ने बताया। तो BCS ने जो है सुपर कंडक्टिंग स्टेट के बारे में बताया कि थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन दिया कि वाई सुपर कंडक्टर एग्जिस्ट। तो उन्होंने ये बताया कि जो कूपर पेयर है वो कंडेंस होते हैं बोसोन लाइक स्टेट में। ठीक है, तो अब इस चीज को हम देखेंगे थोड़ा डिटेल में कि किस तरह से ये चीज होती है। तो अगर हम बात करें कि सुपर कंडक्टिंग स्टेट जो है वो सिंगल स्टेट को हम बोलते हैं, या अगर सभी इलेक्ट्रॉन अगर एक ही स्टेट में होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, सुपर कंडक्टिंग कंडेंसेट बोलते हैं। बट ये क्या पॉसिबल है क्या, क्योंकि पाउली एक्सक्लूजन क्या बोलता है कि कोई भी सेम स्टेट में नहीं रह सकते दो इलेक्ट्रॉन, ये चीज बताता है पाउली एक्सक्लूजन। तो यहाँ पर ये चीज तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी अजीब सी दिखती है हमें कि अगर सभी इलेक्ट्रॉन एक ही स्टेट में हो तो ये पॉसिबल होगा, लेकिन हाँ काफी हद तक ये पॉसिबल तब होगा जबकि ये बोसोन हो तब। ठीक है, तो उस चीज को हम देखते हैं और आगे हम यहाँ पर, तो अब हम स्टेटिक्स की बात करें कि फर्मियोन क्या होते हैं। तो फर्मियोन क्या होते हैं, हाफ इंटीजर स्पिन को कैरी करते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वार्क या न्यूट्रिनो जितने भी ये फर्मियोन कहलाते हैं जो कि हाफ इंटीजर होते हैं। वही बोसोन की बात करें तो ये क्या होते हैं, इंटीजर स्पिन रखते हैं जो कि फोटोन हो गए या बोसोन आपके जो है फोनोन हो गए, इस तरह के जो है ये बोसोन्स कहलाते हैं, और ये बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में हम यहाँ वही वाला हमारे पास फिर से वही क्वेश्चन है, मे बी टू इलेक्ट्रॉन कैन फॉर्म एन इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, तो ये चीज जो है कूपर ने बताई थी, सॉरी BCS ने बताई थी। अब उसके बाद में यहाँ हम देखते हैं कि ये चीज पॉसिबल तो है सुपर कंडक्टर में, बट किस तरह से ये चीज देखना होगा। तो यहाँ हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन की यहाँ पेयरिंग की हम बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन अगर दो इलेक्ट्रॉन हम बात करें तो आपस में क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, बट सुपर कंडक्टर में ये चीज नहीं होती है। सुपर कंडक्टर जो है वो अलग तरह की स्टेट रखते हैं। ठीक है, तो सुपर कंडक्टर में अगर दो इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं। ये बहुत अजीब सी बात आपको सुनने में आई होगी कि ये किस तरह से होता है ये चीज कि सुपर कंडक्टिंग स्टेट में दो अगर इलेक्ट्रॉन है तो वो आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जो वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो आपस में पेयरिंग करते हैं उसे हम बोलते हैं कूपर पेयर बोलते हैं। ठीक है, तो ये किस तरह से पॉसिबल होता है ये अब हम यहाँ देखते हैं कि नॉर्मल स्टेट में तो हमें पता है कि नॉर्मल स्टेट में इलेक्ट्रॉन जो है वो अगर लैटिस से स्कैटरिंग करेगा तो वहाँ रेजिस्टेंस जो है जनरेट होगा। बट अगर मैं बात करूं कि TC से बिलो की हम बात करते हैं सुपर, तो उस कंडीशन में हम यहाँ बात करें कि फर्स्ट कंडीशन में नॉर्मली सुपर कंडक्टर्स जो है उसमें ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, ये दो इलेक्ट्रॉन्स हम ले रहे हैं तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो किस तरह से होना चाहिए, इनकी स्पिन जो है आपस में अपोजिट होना चाहिए। कहने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन प्लस हाफ पे तो अगले इलेक्ट्रॉन की स्पिन माइनस हाफ होना चाहिए, और इसके अलावा दोनों का मोमेंटम वेक्टर जो है अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है, और अब हम यहाँ बात करें कि अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है उसकी स्पिन जो है अपोजिट होगी तो टोटल स्पिन कितनी हो जाएगी, जीरो। ठीक है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर आप बात अब हम देखेंगे कि फर्मियोन होंगे या बोसोन होंगे, तो ये बोसोन होंगे। ठीक है, और देट कैन बी स्टे एट द सेम स्टेट। ओके, तो उस कंडीशन में ये पॉसिबल है। ठीक है, अब यहाँ बात करके ये इलेक्ट्रॉन लेकिन आपस में अट्रैक्ट किस तरह से करेंगे, ये चीज हमें देखना होगा। अब हम बात करेंगे, देखिए यहाँ हम देखते हैं कि जिस तरह से कर्सर को आप देखिएगा, ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इस डायरेक्शन से अगर लेटिस जो हमारा क्रिस्टल है उसमें इंटर करता है तो होगा क्या, ये जो न्यूक्लियस है या लेटिस है ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की तरफ जो है वो अट्रैक्ट करता है। ठीक है, यहाँ हम देख सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन जो है उसकी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, या ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस तरफ से आ रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन से आ रहा है, इस तरफ से आ रहा है ये इलेक्ट्रॉन, और यहाँ हम देखते जा रहे हैं कि जिस तरह से इलेक्ट्रॉन आ रहा है ये लेटिस जो है ये डिफॉर्म हो रहा है, लेटिस साइड जो है वो डिफॉर्म हो रही है। ठीक है, ये लेटिस साइड क्या हो रही है, डिफॉर्म हो रही है। ठीक है,
अब उसी कंडीशन में हम बात करें कि एक इलेक्ट्रॉन जो है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन से या फिर उसी डायरेक्शन से आता है, तो फिर हम यहाँ करेंगे क्या देखेगा ये इलेक्ट्रॉन जो है ये पॉजिटिव जो चार्ज डेंसिटी है उसको देखता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन जो है इस पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी को देखेगा तो क्या करेगा, इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ इस इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, देखेगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है ये किसकी तरफ अट्रैक्ट करता है, ये पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी की तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन आपस में जो है पास में आ जाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि इसमें जो है इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन होता है, बट किसके थ्रू, लेटिस वाइब्रेशन या फिर हम उसको बोलेंगे फोनॉन के थ्रू जो है ये इलेक्ट्रॉन जो है आपस में अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि जो लेटिस में जो डिस्टरबेंस होगा उसकी वजह से जो वाइब्रेशन होगा उसकी वजह से क्या कौन सी एनर्जी जनरेट होती है, फोनॉन होती है। जिस तरह से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन में हमारे पास एनर्जी होती है, जो पार्टिकल्स एक्साइटेड आउट होता है वो कौन सा होता है, फोटोन होता है, उसी तरह से लेटिस के जो वाइब्रेशन होते हैं उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी एमिट होती है वो इन फॉर्म ऑफ फोनॉन होती है, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है आपस में अट्रैक्ट करते हैं थ्रू द फोनॉन, ठीक है। तो ये जो आपस में ये जो पेयर है हम देख सकते हैं, ये आपस में जो पेयर है इसको हम सुपर पेयर कहते हैं, ठीक है, ये सुपर कंडक्टिंग स्टेट में होता है। तो नॉर्मली हम बात करें कि क्या ड्रॉबैक है इसके, तो ये जो है टाइप टू सुपर कंडक्टर है, मतलब हाई टीसी जो सुपर कंडक्टर या हाई मैग्नेटिक फील्ड सुपर कंडक्टर, उसको समझा पाए। जी जी सर, कैन यू प्लीज शो प्रीवियस स्लाइड सर। हियर व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इन फॉर्मिंग कूपर पेयर, जो कूपर पेयर बन रहा है इसमें टेम्परेचर प्रेशर इनका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, बिकॉज टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो हमारे आयंस का होता डिस्टेंस बढ़ता है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, देखिए वही हमने बोला है कि 8TC, यहाँ उसको 8TC भी नहीं करके हमें उसके बिलो TC करना पड़ेगा, ये थोड़ा स्लाइड में मिस्टेक है, ठीक है। तो अगर टेम्परेचर हम बात करेंगे तो ये वापस हमने वही बोला कि नॉर्मल स्टेट में ही आ जाएंगे, ठीक है। तो टेम्परेचर का इफेक्ट बिल्कुल है, जब वो टेम्परेचर लो होगा तभी ये इस तरह की स्टेट मिल पाएगी, लेकिन टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो ये नॉर्मल स्टेट में यहाँ चेंज हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये हमारे पास समरी है और फाइनली इसके एप्लीकेशंस कई सारे हैं, ठीक है। कुछ एप्लीकेशंस मैं बताना चाहूँगा आपको कि किस तरह के जो है, एक मिनट रुकिएगा, देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है वीडियो देख पा रहे हैं सर? नहीं देख पा रहा। ओके वन मिनट, एक मिनट, हाँ अब शायद दिखेगा, अब दिख पा रहा है? यस सर वी कैन सी। ओके ओके, यहाँ आपने देखा है कि काफी छोटा वीडियो था, लेकिन आप इसमें देख सकते हैं, ये यहाँ पे देखिए आप ये चीज, ये स्टेट क्या है, ये कौन सा फिनोमिना है, ये माइनर इफेक्ट है, जिसमें हमने देखा था कि जब मैग्नेटिक फील्ड जैसे ये सुपर कंडक्टर्स है, ठीक है, ये जो नीचे आप देख पा रहे हैं ये सुपर कंडक्टर्स है, उसको हमने लिक्विड नाइट्रोजन के प्रेजेंस में जो है कूल किया है, ठीक है। तो वो टीसी के बिलो अगर है यहाँ पर तो ये सुपर कंडक्टिंग स्टेट है, बट यहाँ हम देखते हैं ये एक मैग्नेट हमने इसके पास में लेके आ रहे हैं, तो मैग्नेट जब इसके पास में आते हैं तो ये क्या होता है, पूरी तरह से इसको एक्सक्लूड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर इसको एक्सक्लूड कर रही, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि ये सुपर कंडक्टर्स जो है वो क्या करेंगे, लेविटेट करेंगे, कहने का मतलब ऊपर ही उठ के रहेंगे, ठीक है। इस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक लेविटेशन भी कहते हैं, ठीक है। एक और वीडियो में बताना चाहूंगा आपको सर, यहाँ पे सर एक चीज मैं कहना चाहता हूँ। जी बोलिए सर। यहाँ पे हम लोगों ने अपने कॉलेज में एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें हम लोगों ने एक सुपर कंडक्टर और ये डायमेंडिक मैग्नेटिक मटेरियल यूज किया था, लिक्विड नाइट्रोजन यूज करके, जो आपने शो किया है, हमने सर इसको प्रैक्टिकली सर बनाया था। ओके, और सर इसके साथ हम लोग मैग्लेव ट्रेन पे काम कर रहे थे, जिससे कि हमारी मैग्लेव ट्रेन कैसे उसको हम फ्लोट करके उसको रन करा सकते सर। हम उसको सर हम लोग रन नहीं करा पाए थे, हमारा प्रोजेक्ट वहीं पे फेल हो गया था, हम लोग उसको लेविएट करा दिया था, अराउंड 1 सेंटीमीटर लेविएट कर रहा था, बट रनिंग नहीं करा था। तो सर इसका और भी कोई इफेक्ट होता है, मतलब किस तरह का, मतलब मींस इसको हम मोशन कराते हैं, सर वो स्टेबल पोजीशन में है, इसको हम लोग मोशन भी कैसे करा सके, तो इसमें क्या सर कोई फिजिक्स लगती है? इसमें जो है नॉर्मली हम बात करें तो इस कंडीशन में तो ये होना ही चाहिए, क्योंकि एक वीडियो में और आपको बताता हूँ, उससे आपको और थोड़ा क्लियर होगा,
ठीक है, इसमें कोई ज्यादा चेंज होना नहीं चाहिए, क्योंकि नॉर्मली आप सुपर कंडक्टर, आपने मैग्नेट लिया होगा, ठीक है, उस मैग्नेट पर फिर आपने जो है वो सुपर कंडक्टर जो है उसको सस्टेन किया होगा, तो उस कंडीशन में वो होना चाहिए, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो जनरेट होगी वो क्या करेगा, पूरी तरह से सुपर कंडक्टर को एक्सक्लूड करता है, तो उस कंडीशन में वो चीज होना ही चाहिए। नहीं हो रहा है, कोई ना कोई टेक्निकल पॉइंट होगा, उसको थोड़ा आप देखिएगा, या तो टेम्परेचर आपने उतना अचीव नहीं किया होगा, क्योंकि नॉर्मली सुपर कंडक्टिव स्टेट जो है वो ट्रांजिशन अगर टेम्परेचर पर हम आएंगे तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट जरूर होगा, तो वो चीज कहीं ना कहीं अटेंड नहीं हो पा रही होगी, इस वजह से ऐसा हो सकता है। एक वीडियो और है, वो मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ, देख पा रहे हैं? यस सर। ओके ओके, ये देखिए मैग्लेव ट्रेन का ही एक एग्जांपल है, इसमें हम देख पा रहे हैं कि मैग्लेव ट्रेन जो है वो सतह से थोड़ी उठी हुई होती है, ठीक है, ये सब फिनोमेना क्यों हो पाता है उसका हम रीजन यहाँ देखेंगे। देखिए वो थोड़ा आगे मैं बढ़ाता हूँ इससे, देखिए अभी से आप देखेंगे कि यहाँ पर तीन सुपर कंडक्टिंग डिस्क है, ये आप देख सकते हो, ठीक है, ये इस तरह का मटेरियल हमने यूज किया, टाइप टू सुपर कंडक्टर है ये, मतलब इसका हाई टीसी होगा -166 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, और जब -166 डिग्री सेल्सियस तो उसको हम लिक्विड नाइट्रोजन में कूल कर सकते हैं, ठीक है। अब जब इसको हम कूल कर रहे हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये सुपर कंडक्टर जो है ये क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को एक्सक्लूड कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ हमने ये सुपर कंडक्टर मैग्नेट जो लिए है उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो इस तरह से जनरेट होती है, और यहाँ हमने सुपर कंडक्टर को रखा तो इससे क्या हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसको आपस में एक्सक्लूड कर रही है। अब ये हमने कई सारे सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट रखे तो उसमें हम देख सकते हैं कि ये एक तरह का पाथ जो है क्रिएट हो गया, और यहाँ हमने सुपर कंडक्टर्स को जब लेके आएंगे तो क्या होगा कि वो पूरी तरह से उसको एक्सक्लूड करता है, मतलब कहीं ना कहीं उसको हाइट पर रखता है, ठीक है, और उसी कंडीशन में हम यहाँ देख सकते हैं कि सुपर कंडक्टिंग जो मैग्नेट ट्रेन है वो मूव कर रही है, ठीक है। तो ये है बेसिक एक एग्जांपल हमने यहाँ देखा, ठीक है, सॉरी, ओके, दिख पा रही है स्क्रीन आपको, विजिबल है? नो सर। नहीं है? नो सर। ओके, अब यस। ओके ओके, सो ठीक है, यहाँ पर ये जो है एक प्रेजेंटेशन हमारा जो है एंड अप हुआ है, ठीक है, तो ये कुछ एप्लीकेशंस है और ये फाइनली कम्स आउट टू कंप्लीट। तो थैंक यू वेरी मच टू लिसन ऑल पीपल्स, ऑल स्टूडेंट्स विच कम्स फ्रॉम अदर स्टेट एज वेल एज एमपी। तो ये आज का हमारा प्रेजेंटेशन था, और इसके अलावा जो है आप मेरे कुछ लेक्चर्स जो है एटॉमिक फिजिक्स के लेक्चर भी जो है यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, साथ में कुछ सुपर, ये जो हमने लेक्चर सीरीज स्टार्ट किया है इसमें जो सॉलिड स्टेट फिजिक्स है उसकी भी हमने लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर दी है यूट्यूब पर भी, और साथ में अगर इस रिस्पॉन्स हमें काफ़ी अच्छा मिला है इस कंडीशन में, और यहाँ रिस्पॉन्स अगर ये हम इसी तरह से बरकरार रहता है तो हम ये लेक्चर सीरीज को और ज़्यादा एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। ओके ओके, थैंक यू सागर, दिस इज वेरी नाइस लेक्चर, और सारे बाकी पार्टिसिपेंट के लिए भी हमारे इस लेक्चर सीरीज में आइडिया हम लोगों का ये है कि इंग्लिश के अंदर देयर आर सेवरल वीडियोस, देयर आर सेवरल लेक्चर्स आर अवेलेबल इन दिस मीडिया, तो हमारे जो हिंदी स्पीकिंग एरियाज हैं उन एरियाज में भी फिजिक्स के लेक्चर्स हम लोग प्रोवाइड कर पाए, इसलिए इस पूरी OLS में हमारा प्रयास ये है कि हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिक्स लैंग्वेज में ये लेक्चर्स आप लोगों को हमारे जो लेक्चर्स हैं वो देंगे। इसलिए कुछ लोगों का, मैं अभी चैट बॉक्स देख रहा था तो कुछ लोगों का आग्रह था कि सब इंग्लिश में ही पूरा होना चाहिए, तो ऐसा मैं आप लोगों से माफी चाहता हूँ, क्योंकि आइडिया ये है कि MP UP बिहार के हमारा जो पार्ट है जहाँ पे हिंदी स्पीकिंग हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है उनके लिए ये आवश्यक है कि हिंदी और इंग्लिश, और जहाँ तक फिजिक्स का सवाल है तो टर्मिनोलॉजी सारी हम लोग इंग्लिश में यूज कर रहे हैं, सिर्फ जो है थोड़ा सा लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश मिक्स कर रहे हैं। तो सारे पार्टिसिपेंट्स को थैंक्स, और टाइम लिमिट हम लोग पास में है, दैट्स व्हाई हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर भी हमारा है उसकी तैयारी में रहेंगे। आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू सर। अच्छा, बाकी एक मिनट, कुछ जो क्वेश्चंस अगर होंगे तो आप ग्रुप में जरूर मुझसे पूछ सकते हैं,
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टाइम लिमिटेशन है, इसकी वजह से हम ज्यादा क्वेश्चंस को आंसर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन आपको अगर कुछ डाउट हो तो आप जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप बना है उस पर जरूर बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। सिर्फ एडमिन ही मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सर। जी हाँ, आप ग्रुप आप सभी के लिए हम लोग एक घंटे के लिए उसको एडमिन से हटा के ओपन टू ऑल कर देंगे, तो आप एक घंटे में जितनी क्वेरीज है आप उसमें डाल सकते हैं। बट द नेक्स्ट, अगर दो मिनट का टाइम हो तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नहीं, बट नेक्स्ट सेक्शन जो है हमारा वो भी सॉलिड स्टेट फिजिक्स है, तो आप पहले आप मुझे डायरेक्ट मैसेज सुनिए, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं या फोन कर सकते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। माय नंबर, मेरा नंबर आप लिख लीजिए अगर ऐसा हो तो, 8770966831। तो आप मुझसे बात भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास टाइम लिमिटेशन है, इसकी वजह से हम जो है काफी क्वेश्चंस तो नहीं है देख पाएंगे, लेकिन आप अपने चैट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए तो उसका हम आंसर देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच टू ऑल। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, ओवर सर। थैंक यू। आई एम एंडिंग द मीटिंग नाउ।